हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मेरा नाम है अंकित तिवारी। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लाइव प्रोसेस की थर्ड रिवीजन लेक्चर पे बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जो बातचीत किया है वो बातचीत किससे रिलेटेड किया बेटा? न्यूट्रिशन से रिलेटेड किया था। क्या है न्यूट्रिशन? तो आपने कहा था कि द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेकिंग देयर फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड मेंटेनिंग अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ देयर बॉडी। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो खाना खाता है तो खाना खाने के बाद उस भोजन को वो दो जगह यूज करता है, एक तो एनर्जी के प्रोडक्शन में और दूसरा उसके शरीर में हो रहे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने। ठीक है, अब हमने कहा कि जो न्यूट्रिशन है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। कितने भागों में डिवाइड किया जाएगा? न्यूट्रिशन को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होगा ऑटोट्रॉपिक और दूसरा क्या होगा बेटा? हेटरोट्रॉपिक। तो एक हमारा हो जाएगा ऑटोट्रॉपिक और दूसरा कौन सा हो जाएगा लल्ला? हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, कहानी क्लियर है? अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो समझा पाएंगे बेटा? बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बोलेंगे दोस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड या प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग सोलर एनर्जी या अदर एनर्जी, या ऐसे कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म मेकिंग देयर फूड फ्रॉम ओन सेल्फ, दैट इज द व्हाट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, वो खाना खुद से अपना बनाता है। क्या हम लोग अपने से खाना बनाते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं? हम खाने को पकाते हैं। ठीक है, कहते हैं मम्मी खाना बना रही है, तो जो खाना बना रही जो टर्म बोला जाता है वो टर्म गलत होता है। खाना बना रही है कहा जाता है तो वो एक रॉन्ग टर्म है। राइट टर्म क्या है? हम खाना पका रहे हैं। कहानी क्लियर है? चलो आगे देखो। तो अगर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर डिवाइड किया जाए तो वो दो तरह का होता है। एक होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक और एक क्या होता है बेटा? फोटो ऑटोट्रॉपिक। सही है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट द कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप बता सकते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हाँ जी बताएं, बताइए बताइए सर। कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दोस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग द केमिकल एनर्जी। करता क्या है? सिंपल सा फंडा है, जाएगा केमिकल को तोड़ेगा और उस केमिकल से जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी से अपना भोजन बनाता है, जैसे कि आयरन और सल्फर बैक्टीरिया। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे कीमो ऑटोट्रॉप को? द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड, प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग कौन सा एनर्जी बच्चा? बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फोटो ऑटोट्रॉप, बोलेंगे दिस इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड, प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग कौन सी एनर्जी? बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। ठीक है, कहानी क्लियर? ओके, इसमें अगर कीमो ऑटोट्रॉपिक की बात करें तो कीमो ऑटोट्रॉपिक में आप ले सकते हैं आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बेटा? आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया। कई बार नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया भी क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया भी एक तरह का कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अंजाम देता है। कहानी क्लियर है? ओके, आप इसको
सुनते रहिए, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, घर पे जाके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, सुनते रहिए प्रॉपरली। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है कि ऑटोट्रॉपिक में हमें अभी कहा बोला फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। बेटा अगर कीमो ऑटोट्रॉपिक की बात किया जाए तो कीमो ऑटोट्रॉपिक में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी को ब्रेक करके क्या करता है, भोजन बनाता है अपना। जबकि अगर मैं फोटो ऑटोट्रॉपिक की बात करता हूं तो उसमें वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को लेकर के वो अपना भोजन बनाता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल कौन सा बेटा, इसका जीता जागता जो एग्जाम्पल है वो है फोटोसिंथेसिस। कौन सा, फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सिंपल सा फंडा बताया था कि ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करता है, CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फियर, वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है और साथ ही साथ क्या करता है, ऑक्सीजन नाम की गैस को रिलीज करता है। तो उसका अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो लिखेंगे 6 CO2 प्लस 12 H2O कन्वर्टेड इनटू द C6H12O6 प्लस 6 O2 प्लस 6 H2O। ठीक है, एक ने कहा सर जी कई सारे किताबों में क्या है, यहां 12 H2O की जगह 6 H2O लिख दिया है, यहां लिखा ही नहीं है। मैंने कहा वो भी सही है लेकिन ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है क्योंकि वास्तव में यही थ्योरम, यही जो केमिकल रिएक्शन है वो होता है उसमें। इस दौरान ये ध्यान देना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर दोनों के पास ऑक्सीजन है, तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो किसका है, तो ऑक्सीजन किसका बेटा, वाटर का होता है, यानी कि H2O का होता है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, दिस इज फोटोसिंथेसिस। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे वो थोड़ा सा खतरनाक है और एक्सपेरिमेंटल पूछे जाएंगे, तो ध्यान दो। हमने बोर्ड पे इधर देखिए लिखा है दो एक्सपेरिमेंट है, एक हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट और दूसरा क्या है बेटा, बेलजार एक्सपेरिमेंट। हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट किस चीज के बारे में बताता है, स्टार्च सिंथेसिस के बारे में बताता है। एनसीईआरटी का जो पहला और दूसरा एक्टिविटी है लाइव प्रोसेस का, वो दोनों एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा रहा है, दो साल तीन साल के अंतराल पे ये क्वेश्चंस पूछ लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको माइंड में रखना है, तीन चार पांच एक्टिविटी है, पांच के छह सात एक्टिविटी है। ठीक है, उसमें से दो तीन एक्टिविटीज मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, आप जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, बाकी मैं अभी आपको यहाँ क्लियर आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा पहले देखो भाई प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन है, सॉरी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो दो तरह का है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। अभी मैं किसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ, ऑटोट्रॉपिक के बारे में। ठीक है, अगर मैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात किया तो मैंने बोला दो तरह का है, कीमो ऑटोट्रॉपिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जाकर के केमिकल एनर्जी को तोड़ता है और उससे जो एनर्जी निकलती है उससे अपना भोजन बनाता है। फोटो ऑटोट्रॉपिक ज्यादा कॉमन टाइप का है, इसमें क्या करता है, ऑर्गेनिज्म सोलर एनर्जी को लेकर के अपना भोजन बनाता है। इसको मैंने डिफाइन किया, उसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करने के लिए सिर्फ अगर आप ये केमिकल रिएक्शन याद रखते हैं तो अपने आप वहां आप डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो इट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड। इट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड बाय यूजिंग CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फियर, वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। अब मान लो ये भी नहीं याद होता है, एकदम दिमाग फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी नहीं याद होता, तो घर में खाना बनते हुए देखा है, सब्जी बनते हुए, तो सब्जी बनने में मार्केट से सब्जी खरीद के ले आते हैं, सब्जी को पकाने के लिए कढ़ाई चाहिए होती है, कढ़ाई को क्लोरोफिल मान लो, और कढ़ाई में खाना पकाने के लिए गैस चूल्हा चाहिए कि नहीं, गैस चूल्हे का क्या मतलब है, वो सोर्स देता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, गैस चूल्हा हो गया, क्लोरोफिल हो गया कढ़ाई, और ये हो गया सब्जी। अब इसको पकाना शुरू किए तो अल्टीमेटली खूब टेस्टी सब्जी पनीर की बन के तैयार होती है और उसमें से भाप निकलता है, भाप मान लो ऑक्सीजन और वाटर वेपर है, और जो सब्जी बन के तैयार हुई वो ग्लूकोज हो गया, काम खत्म। तो एक क्या है, ये एक मेमोराइज करने के लिए एक क्या कर सकते हैं, कहानी बना लिया, जिससे हमको आसानी से याद हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट मुझे याद रखना है, हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट और बेलजार एक्सपेरिमेंट। हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा,
हम करते ये हैं कि एक प्लांट लेते हैं, ठीक है, और उस प्लांट को दो तीन दिन अंधेरे में रख देते हैं। कहां रख देते बेटा? अंधेरे में। उससे क्या होगा, दो तीन दिन जब हम उसको अंधेरे में रख देंगे तो उसका जो पहले से स्टोर्च स्टार्च है, पहले से जो उसके अंदर स्टोर स्टार्च है, वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो तीन तरीके, उसमें से एक तरीका फॉलो कर लेंगे। मेरे पास एक थोड़ा सही वाला लीफ बड़ा बना दिया। अब इस लीफ को हम क्या करेंगे, आधी लीफ को ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे, ठीक है, ध्यान देना इधर, आधी लीफ से क्या कर देंगे, आधी लीफ को ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे, ठीक है। अब आधी लीफ को ब्लैक पेपर से कवर कर दिए और 5-6 घंटे अब उसको हम सनलाइट में छोड़ दिए। छोड़ने के बाद इस लीफ को निकाला, निकालने के बाद क्या करेंगे, पहले उसको बॉइलिंग वाटर में डालते हैं। कहां डालते हैं? बॉइलिंग वाटर में। बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद दूसरा स्टेप, इसको अल्कोहल में डालते हैं। कहां डालते हैं? अल्कोहल में, अल्कोहल में डालते हैं। और अल्कोहल के बाद तीसरा स्टेप हम क्या लेते हैं, बता सकता है कोई? हाँ जी बताएं। एक बॉइलिंग वाटर में अल्कोहल में डालते डाले उसको छोड़े रहते हैं, और फिर उसके बाद उसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जो हिस्सा ढका नहीं है, यानी जिस हिस्से में लाइट पड़ रही है, वो कैसा हो गया लल्ला, वो ब्लू कलर का हो गया, और जिस पे नहीं पड़ रही है वो कैसा हो गया लल्ला, वो ग्रीन नहीं रहता है बाबू, वो रेडिश ब्राउन। ये जिसका कलर होता है आयोडीन सॉल्यूशन का, वो होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो इस तरह से मुझे पता चल गया कि भैया फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। कहानी क्लियर है? दूसरा एक्सपेरिमेंट, इतना क्लियर है सबको? चलो, अगर क्लियर है तो जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है हम उस पर भी चर्चा कर लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिएगा और अच्छे से आराम से रिवीजन करते हुए चलिए, सिर्फ सुन लीजिए, सारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी क्या कहानी, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो बेलजार एक्सपेरिमेंट है। इसको जिसने परफॉर्म किया था उनका नाम था जोसेफ फ्रिस्टियले, ठीक है। हुआ क्या, उन्होंने किया क्या, बेटा लिखो नहीं, सिर्फ सुनो, फिर आप घर पे जाके इसको लिख लेना। ये देखिए बेलजार है, ये शीशे का क्या है, शीशे का एक क्या है, हमने एक ट्रांसपेरेंट एक कड़ाई नुमा एक स्ट्रक्चर है उसको हमने ले रखा है, दैट इज अ व्हाट, दैट इज द बेल जार, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक प्लांट को रखेंगे। किसको रखेंगे बेटा? एक प्लांट को रखेंगे, ठीक है। और इस प्लांट को कुछ इस अंदाज में रखेंगे कि इसका सारा का सारा पहले से जो उसके अंदर प्रेजेंट स्टार्च है वो खत्म हो जाए, यानी अंधेरे में रखें। साथ ही साथ हम एक KOH से भींगा हुआ क्या करेंगे, एक कपड़ा उसमें डाल देंगे जो पहले से उसमें CO2 है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। KOH CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कोई बता सकता है? बताएं भाई, याद करिए वो दिन जब मैंने आपको बताया था, NaOH को K2CO3 बनाता है और साथ ही साथ वाटर बनाता है, बैलेंस कर लेते हैं, 2 पोटेशियम ले लेंगे तो वाटर बना लेता है, और इस तरह से इसके अंदर प्रेजेंट जो CO2 है बेटा वो यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो प्रेजेंट CO2 है यूटिलाइज हो गया, मतलब कहीं खर्च हो गया तो अब इसमें CO2 नहीं रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अंधेरे में छोड़े रहेंगे, ठीक है, उसमें का पूरा पहले से जो स्टार्च है वो खत्म हो जाए। अब इस पूरे सिस्टम को उठा करके हम 2-4-5 घंटे तक अंधेरे से उजाले में रखेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस बेस पे हम इसको क्या कर रखे हैं, उसके चारों तरफ वैक्स लगा देते हैं। वैक्स लगाने से क्या होगा, वो एयर टाइट हो जाएगा, हवा बाहर अंदर नहीं जाएगी और आएगी, ठीक है। तो वैक्स लगा देंगे, वैक्स लगाने से इसमें से ये पूरा एयर टाइट हो जाएगा, इसमें से हवा बाहर अंदर नहीं जा सकती, और इसको ले जाकर के बाहर धूप में छोड़ देंगे, ठीक है। यही हमारा सिस्टम है। अब हम इसको कहां लेके गए, अंधेरे में। पहले कहां रखे थे लल्ला, पहले डार्क में रखे थे, कहां रखे थे, और अब कहां रख दिए, अंधेरे में। जब लाइट में, अंधेरा और डार्क एक ही होता है ना, अभी कहां रख दिए, उजाले में रख दिया। जब उजाले में रख देंगे बेटा,
तो हम इसको 2-4-5 घंटे उजाले में रखे और फिर उठा करके हम इस लीफ को इसमें स्टार्च का टेस्टिंग किए, हमने देखा कोई चेंज नहीं हुआ। और इससे पता चल रहा कि CO2 is essential for photosynthesis। किसी को कोई दिक्कत है? हाँ जी बताएं। तो CO2 इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये हमको इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर आउट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ ना यार, नहीं ना, ओके इसको बना लो, बनाना चाहो तो या घर पे बना लेना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो यार, ये दोनों एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको माइंड में आप रखे रहेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़े। अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते बेटा, और अब सीखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये सारा जानकारी किससे रिलेटेड रहा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं मैंने क्या बात किया। मैंने न्यूट्रिशन से रिलेटेड बातचीत किया, मैंने बोला देखो बेटा न्यूट्रिशन दो तरह का होगा, कौन कौन सा? ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से अपना भोजन बनाता है, जबकि हेटरोट्रॉपिक में वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में दो पार्ट है, एक है कीमो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा कौन सा है बेटा? फोटो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक वो केमिकल एनर्जी को ब्रेक करता है और उससे जो एनर्जी निकलता है उससे वो अपना भोजन बनाता है। लेकिन अगर मैं बात फोटो ऑटोट्रॉपिक की करता हूं तो फोटो ऑटोट्रॉपिक में वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को लेकर के अपना भोजन बनाता है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल कौन है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है ना C6H12O6, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूं, 10th का है, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन पहले क्लास में बताया था, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो क्लास 11th में सीखेंगे। ठीक है, या क्लास 11 की वीडियोस में मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा क्या कहानी। ठीक है, अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा बोर्ड है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत स्लो हो रहा है, तो 1.5x 2x पे जाकर के इसको सुन लीजिए, सब याद हो जाएगा। बेमतलब का कोई हेडेक नहीं लेना है, सीधे प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए और सॉल्व करिए। ठीक है ना, ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सारे की कॉपी कंप्लीट है, बहुत सारे की कॉपी नहीं कंप्लीट है, कोई हेडेक नहीं लेना है, जाइए सुनिए और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लीजिए, बेहतरीन करके आएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो अब हम जो सीखने वाले हैं वो है हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक हो गया बेटा, अब जो सीखना है वो सीखना है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, अगर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बातचीत किया जाए, रिलेटेड बातचीत किया जाए, तो इसमें चार हमको पढ़ने हैं। बहुत सारी किताबों में तीन दिया है, बहुत सारी में चार दिया है। तो पहला जो होता है वो है पैरासिटिक। पहला कौन सा बेटा? पैरासिटिक। दूसरा कौन सा है? हाँ जी, दूसरा मैंने बताया था सेप्रोट्रॉपिक। बहुत सारे बच्चे फिटिक और जोइक बोल देते, वास्तव में सेप्रोट्रॉपिक होता है। सेप्रोट्रॉपिक को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। सेप्रोट्रॉपिक को दो भागों में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, सेप्रोजोइक एंड सेप्रोफिटिक। ठीक है, एक क्या होता है सेप्रोफिटिक और एक होता है सेप्रोजोइक। तीसरा वाला क्या है? पैरस। हाँ, तीसरा वाला होलोजोइक है और चौथा एक और है सिम्बियोटिक। चौथा है सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक, सिम मतलब क्या होता है? साथ साथ, और बियोटिक का मतलब रहना। अब एक एक करके स्टडी करने की कोशिश करते हैं। पैरासिटिक, अभी तक हमें क्या लगता है पैरासाइट कौन हो सकता है? हम अपने पेरेंट्स के ऊपर पैरासाइट ही तो हैं, है कि नहीं? पैरासाइट क्या करता है? हार्म देयर होस्ट बट नॉट किल देयर होस्ट। आप अपने होस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पापा 20 रुपए दे दो, पापा 50 रुपए दे दो, पापा 100 रुपए दे दो, कहते हैं ना, लेकिन होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगे, बोले पापा का पैसा सारा चुरा लेंगे तो 1 रुपए नहीं देंगे, है ना। सेम थिंग हैपनिंग विद द पैरासाइट ऑल्सो। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो स्थिति है, एक प्लांट और एक एनिमल। अभी तक मुझे लगता था कि एनिमल ही पैरासाइट हो सकता है, प्लांट कैसे हो सकता है? जो अमीर है वो क्यों किसी का पैसा चुराएगा भाई साहब, किसी से भीख मांगने क्यों जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार जो लोग
अमीर देखते हैं वो होते नहीं है। ज्यादातर अमीर लोग अमीर होते हैं, कुछ होते हैं ऐसे जो दिखते हैं पर होते नहीं है। तो वैसे ही प्लांट की स्थिति है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। दे आर कंसीडर एज ए पैरासिटिक प्लांट। दो तीन एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं। पहला है कस के कूटा, यानी कि कसकुटा। दूसरा सबसे बड़ा फ्लावर रेफ्लेसिया, ठीक है। तीसरा आप याद कर सकते हैं सेंटेलम। ऐसे बहुत सारे हैं, रेफ्लेसिया, बेलनोफोरा, सेंटेलम, स्ट्रिगा और थीसियम। रेड वाला हमको लग रहा दिख नहीं रहा होगा, इसको मिटा देते हैं। कसकुटा, ठीक है। दूसरा क्या बताया, रेफ्लेसिया। तीसरा क्या बताया बेटा, बोलो, सेंटेलम। ये तीन ऐसे प्लांट हैं जो कि क्या कर सकते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। दीज आर व्हाट काइंड ऑफ द प्लांट, पैरासिटिक प्लांट। समझ में आ रहा है ना? ओके, अब पैरासिटिक प्लांट इसके अलावा बहुत सारे हैं, कसकुटा, कसाइथा, विस्कम, लोरेंथस, रेफ्लेसिया, बेलोनोफोरा, सेंटेलम, स्ट्रिगा, थीसियम, बहुत सारे हैं। तुम्हें तीन याद रखोगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और मेरा होगा तो तुम्हारा भी हो ही जाएगा। चलो अब देखो बेटा, प्लांट की बात अगर हो गई तो बात करेंगे एनिमल की पैरासाइट की, ठीक है। अगर मैं एनिमल पैरासाइट की बात करता हूं तो एनिमल पैरासाइट दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है एक्टो पैरासाइट और एक कौन सा होता है बेटा, बोलो यार, एक होता है एंडो पैरासाइट। कौन सा पैरासाइट? हाँ, एक होता है एक्टो पैरासाइट, दूसरा होता है एंडो पैरासाइट। एक्टो मतलब शरीर के बाहर और एंडो मतलब जो शरीर के अंदर। अब जो लोग आजकल ठंडी का मौसम है तो आजकल एक्टो पैरासाइट अच्छे से, अभी मैं अपना बाल ऐसे करूंगा, ऑयल लगाया हूं, नहीं तो उसमें से बहुत सारे डेंड्रफ आएंगे। वो क्या है? फंगस है बेसिकली। वो क्या है? एक्टो पैरासाइट है। तो एक्टो पैरासाइट में कौन कौन सा हो सकता है? तो एक्टो पैरासाइट में आप इधर देख लीजिए, एक्टो पैरासाइट में कुछ फंगाई हो सकते हैं, ठीक है, जू हो सकता है, लीस हो सकता है, टीक्स हो सकते हैं, माइट्स हो सकते हैं। ये सब क्या है? अरे आपने देखा होगा गाय को पकड़ लेता है छोटे छोटे, जिसको गांव में किलनी कहते हैं, है ना, बाल में जू, बहुत सारे लोगों को पड़ा होगा, अभी भी नहाए नहीं होंगे तो। ठंडी के मौसम में क्या है, चार पांच दिन तो ऐसे ही चला जाता है कि नहीं? हाँ, चार पांच दिन सोचते हैं आज नहीं नहाएंगे, कल नहाएंगे, कल नहीं नहाएंगे, परसों नहाएंगे, चार पांच दिन सोचने में चला जाता है। छठे दिन बहुत सारा स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग आती है तब नहा लेते हैं यार, है? तो देखो यार, एक्टो पैरासाइट में मेरे पास कौन कौन सा हो सकता है? पैरासाइट में फंगाई हो सकता है, जैसे बाल में बताया ना डेंड्रफ, वो फंगस ही होता है बेसिकली, है ना। फंगस को ग्रो करने के लिए एक सिचुएशन चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड सिचुएशन चाहिए होती है। ठंडी के मौसम में बाल में टोपी लगाते हैं तो वहां गर्मी और नमी मिल जाती है, इससे फंगस बाल में क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। दूसरा वही बताया, चार पांच दिन अगर नहीं किए तो भी ऐसा हो सकता है। जू हो सकता है बाल में, जो जिसको जू ढील गांव में कहते हैं ना, हाँ। उसके बाद क्या है, लीस, और उसके बाद टिक्स, कुत्ते के बॉडी में लिखा हो जाए। कुत्ता मतलब आपके घर वाला नहीं, वो तो भाई वीआईपी होता है। कई बार आपको अच्छे घरों के जो डॉग है वो कार में जाते हुए नजर आएंगे, ऐसी कार में जो अभी सोचेंगे यार मर्सिडीज में हम भी बैठ लेते, छू लेते कैसा है, ठीक है। तो आपको उस तरह के, मैं डॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको कुत्ता कहना भी गलत है, नहीं तो उनके जो मालिक हैं दौड़ा लेंगे आपको, ठीक है ना। हाँ, मैं साधारण जो इधर अगल बगल रोटी मांगते हुए चलता है, भैया दो रोटी दे दो, हाँ, तो उनके बॉडी में क्या होता है, ऐसे टिक्स जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, या माइट्स जाके बैठ जाते हैं। दीज आर व्हाट, एक्टो पैरासाइट। अब कुछ एंडो पैरासाइट है, जैसे फुल्की गुलगप्पा खाने वाले लोग हैं, तो ये क्या है भाई सब, रोड पे बेचता है, ठीक है। और कई बार क्या है, जो अर्थ पिनवाम होता है या हुकवाम होता है या जो स्कैरिस होता है, उसका जो लार्वा है वो कोई इन्फेक्टेड पीपल खुले में शौच करके चला आया, अभी शहर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, गांव में बहुत पॉसिबल है, आसानी से होता है, तो वो हवा के साथ वो उड़ते उड़ते पानी में चला जाए या फूड में चला जाए तो उसके बॉडी में इंटर कर जाता है पानी, जो जिसमें मान लीजिए वो लार्वा चला गया हो और उस लार्वा के थ्रू उस पानी को पी लिया, कंटामिनेटेड वाटर, अब रोड साइड में है तो कैसा भी हो सकता है, तो
खूब फुल्की खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, उसमें दो चार ये वॉर्म भी घुस जाएगा, कहते हैं ना पेट में केचुआ पड़ गया, तो केचुआ आसानी से नहीं आता, कहीं ना कहीं से आप इन्फेक्टेड हैं तभी आया। या कई बार आप कोई सब्जी लिए या गाजर खा लिए, कोई फ्रूट्स खा लिए बिना धुले खा लिए, तो उसके थ्रू क्या होता है कुछ एंडोपैरासाइट हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा मॉस्क्यूटो काट लिया, मॉस्क्यूटो आपने कंटामिनेटेड फूड यानी कि टाइफाइड हो गया तो कंटामिनेटेड फूड खा लिया, टाइफाइड में क्या होता है एक बैक्टीरिया होता है, सबके सब बीमारी काज करने वाले जितने भी पैथोजेन है सबके सब क्या है बेटा एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम ले सकते हो, किसको ले सकते हो, प्लाज्मोडियम हो सकता है, प्लाज्मोडियम के अलावा टेपवर्म और बताओ बेटा पिनवर्म हुकवर्म अर्थवर्म भी बोलो, अर्थवर्म भी होता है, नहीं भाई साहब एक मिल गया बेटा सुर ताल मिलाने लगा, हाँ टेपवर्म पिनवर्म हुकवर्म अर्थवर्म, तो अर्थवर्म पैरासाइट नहीं होता है, ठीक है वो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम टेपवर्म पिनवर्म हुकवर्म और क्या हो सकता है, हाँ बताएं, इसके अलावा लीवर फ्लूक, ठीक है लीवर फ्लूक, उसके अलावा ब्लड फ्लूक, ठीक है राउंड वार्म भी बोल देते भैया, राउंड वार्म वास्तव में एस्कैरिस को कहते हैं, तो राउंड वार्म यानी कि एस्कैरिस सबसे खतरनाक है, एस्कैरिस है। इसके अलावा जितने जैसे आप मान लीजिए टाइफाइड का जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ये सब क्या है, ये सब एंडोपैरासाइट होते हैं, सो ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर द एंडोपैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट की कहानी क्लियर हो गई भाई, अरे बोलो यार, ओके अब इतनी सारी कहानी क्लियर हो गई, तो दूसरा हम सीखेंगे क्या, सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक में दो है, सेप्रोफिटिक और सेप्रोजोइक, ठीक है क्लियर है। सेप्रोफिटिक की बात करते हैं, तो सेप्रोफिटिक में क्या होता है कि दोज ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट, फिटिक मतलब होता है प्लांट, ठीक है ना, तो वो ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए प्लांट के ऊपर भोजन की आवश्यकता के लिए डिपेंडेंट होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, सेप्रोफिटिक बोलेंगे। ठीक है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल कोई बताएगा, हाँ जी बताएं सेप्रोफिटिक का एग्जाम्पल, हाँ वेरी गुड, अर्थवर्म हो गया, कॉकरोच का नाम सुना है, हाँ कॉकरोच होता है, इसके अलावा हाँ वल्चर इज नॉट अ सेप्रोफिटिक, दे आर सेप्रोजोइक, है ना, कुछ फंगस होते हैं, वेरी गुड, कुछ फंगस भी क्या होते हैं सेप्रोफिटिक, ऊपर हम सेप्रोजोइक लिखे हैं क्षमा चाहते हैं, ये दूसरा वाला, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मानिएगा, ये वाला क्या है सेप्रोफिटिक, यानी ये पहला और ये दूसरा सेप्रोजोइक। तो मैंने अभी पहले यानी कि सेप्रोफिटिक के बारे में बात किया, और सेप्रोफिटिक में कौन कौन, एग्जाम्पल अर्थवर्म कॉकरोच और फंगाई। अगर मैं सेप्रोजोइक की बात करता हूं, किसकी, सेप्रोजोइक, तो आपने कई बार डॉग को देखा होगा मरे हुए एनिमल को खाते हुए, तो डॉग हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है वल्चर, वल्चर हो सकता है, हॉक हो सकता है, ये सब क्या है क्रो हो सकता है, कौवा भी देखे होंगे मरे हुए एनिमल्स को खाता है, तो जो डेड एनिमल्स को, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाते हो उनको क्या कहेंगे, सेप्रोजोइक कहेंगे। ओके, होलोजोइक को मैं बाद में डिस्कस करता हूं, अब एक बात कर लेता हूं सिम्बायोटिक की, ठीक है किसकी बात करता हूं बेटा, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में जैसे आप देखे होंगे किसी व्यक्ति की शादी होती है, तो शादी में फायदा दोनों को होता है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को, ऐसा नहीं खाली गर्ल्स को फायदा हो बॉयज को ना हो, क्या है भाई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक उसको रहने के लिए भोजन दे रहा है, उसके बदले में उसको उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा, उसकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी, ऐसा कहने को है होती नहीं है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जिससे दोनों का बेनिफिट होता है। इसका एग्जाम्पल है लाइकेंस, इसका एग्जाम्पल क्या है लाइकेंस, लाइकेंस क्या है बेटा
एल्गी, बहुत साल पहले शंकर भगवान ने एल्गी और फंगाई का पकड़ के शादी कर दिया, तो एल्गी बॉयज की तरह ट्रीट करता है और फंगाई गर्ल्स की तरह। फंगाई भाई मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, यस मैं इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ कि गर्ल्स इज इंफीरियर एंड बॉयज इज सुपीरियर, बोथ हैव इक्वल इंपॉर्टेंस फॉर द बैलेंसिंग द नेचर, है ना। अब जो काम है वो मैं बात बता रहा हूँ एग्जाम्पल समझने के लिए। तो भाई फंगाई क्या कर रही है, फंगाई बॉयज की तरह काम कर रही है और एल्गी किसकी तरह काम कर रही, गर्ल्स की तरह। कैसे, फंजाई क्या करती है, एल्गी को रहने के लिए जगह और मिनरल्स प्रोवाइड करती है, और एल्गी के पास क्षमता है फोटोसिंथेसिस करने की, तो वो फोटोसिंथेसिस करके अपने भी खाती है और फंजाई को कहती है लो तुम भी खा लो, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ द एसोसिएशन लाइकेंस हो गया। इसके अलावा माइक्रोराइजा होता है, कौन, माइक्रोराइजा। इसके अलावा एक और एग्जांपल, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना है, राइजोबियम बैक्टीरिया रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, दलहनी फसलें, दलहनी फसलें मतलब समझते हैं, अरे यार मटर चना अरहर उरद ये सब दलहनी फसलें हैं, मतलब दाल इससे मिलता है, तो उनके रूट के अंदर गांठ पाया जाता है जिसको रूट नोड्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, उनके रूट के अंदर गांठ गांठ पाया जाएगा, उस गांठ के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या फायदा हुआ, रहने के लिए जगह और भोजन मिल गया, और दलहनी फसलों को क्या फायदा हुआ, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पकड़ के अमोनिया में बदलता है, N2 को पकड़ता है और अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, और इस अमोनिया को प्लांट क्या करती है, एमिनो एसिड बनाने में, कौन सी एसिड, एमिनो एसिड बनाने में यूज कर लेती है, और एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, पता है, अरे प्रोटीन का सबसे छोटा फॉर्म होता है एमिनो एसिड। तो कुल मिलाकर के इससे क्या होता है, दलहनी फसलों के अंदर प्रोटीन बनाने की ताकत बढ़ जाती है, इसीलिए डॉक्टर साहब लोग और गांव के भी सभी लोग पापा मम्मी सब कहते हैं बेटा दाल खाओ अगर प्रोटीन चाहिए तो। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, दलहनी फसलों के रूट के अंदर पाया जाता है और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बड़ी आसानी से अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। इस अमोनिया का फायदा उसको कैसे मिलता है, तो उस अमोनिया से वो एमिनो एसिड का पार्ट बन जाता है। अगर एमिनो एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें अमोनिया NH2 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ज्यूटरान बनाएंगे तो NH3+ हो जाएगा, ठीक है, वो अभी आपके बियॉन्ड लेवल है, बट इतना जानिए कि अमोनिया एमिनो एसिड्स का एक हिस्सा है, अगर नहीं रहेगा तो एमिनो एसिड्स नहीं बन पाएंगे। तो अब ये एमिनो एसिड्स से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन इज अ व्हाट, प्रोटीन इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ अवर बॉडी। कहानी क्लियर है, किसी का कोई डब्बा आउट तो नहीं है, अरे बोलो, हाँ ना यार सबको फील आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें पैरासिटिक सेप्रोट्रॉपिक एंड सिम्बायोटिक के बारे में बात कर लिया। अब शुरू करते हैं हम होलोजोइक के बारे में, क्योंकि होलोजोइक वाला थोड़ा लंबा है इसलिए हम इससे रिलेटेड बातचीत करेंगे, इतना मिटा दें, हो गया, चलो जिसका नहीं हो गया रिकॉर्डेड है इसको आप देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं किसके बारे में, होलोजोइक के बारे में। हाँ, अगर आपको लगता है आता है स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा, 1.5x 2x उससे ज्यादा नहीं होता है, 2x के बाद चुपर चुपर सुनाई देगा, है ना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा नॉर्मली चल रहा हूं, ठीक है, एनर्जी बढ़ाना हो अगर लगता हो कि एनर्जी बढ़ा देनी है, स्पीड बढ़ा दो अपने आप एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, चले आगे बढ़े। ओके, अब देखो होलोजोइक वाले में क्या होता है लल्ला, अगर मैं बात होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की करता हूं तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिफाइन करते हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म, हाँ जी, अच्छा ये हेटरोट्रॉपिक है क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्षमा चाहते, इसको लिख लो होलोजोइक, इसको लिख लो होलोजोइक, ठीक है ना। तो होलोजोइक में क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड एंड फॉलो फाइव डिफरेंट स्टेप,
फॉलो फाइव डिफरेंट स्टेप, पांच अलग अलग स्टेप्स को वो फॉलो करता है, ठीक है ना। सो इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड एंड फॉलो फाइव डिफरेंट स्टेप्स एंड अल्टीमेटली यूटिलाइज इट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और आगे बताइए, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और एंड मेंटेनिंग अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। वो पांच स्टेप कौन कौन से हैं? तो पहला है बेटा इंजेशन, मतलब खाना को खाया। दूसरा क्या है? डाइजेशन, ठीक है। तीसरा क्या बेटा? पहले एब्जॉर्प्शन होगा भैया, ABSORPT, एब्जॉर्प्शन। फिर क्या होगा? एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद पांचवा क्या होगा? इजेक्शन, ठीक है। आगे चल के हम एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे, एक्सक्रीशन थोड़ा इससे डिफरेंट है। ओके, कहानी क्लियर है? देखो, हम पहले भी पढ़ा रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में, तो मैंने ये कहा था कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना सिर्फ और सिर्फ मुझे एनर्जी नहीं देता, एनर्जी के अलावा वो मेरे शरीर में हो रहे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करता। अगर वो केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे, हेलो सर, अगर वो केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे तो हमें कहीं ना कहीं एनर्जी भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए केमिकल, अब मोटरसाइकिल है तो उसमें पेट्रोल के साथ साथ उसकी समय से सर्विसिंग नहीं कराएंगे, पता चला उसका पहिया पंचर हो गया है ना, और चलाए जा रहे हैं तो एक समय ऐसा आया कि पेट्रोल डालेंगे तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। इन टू द सेम वे जब न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसको दो तरीके से यूज करते हैं, एक क्या है एनर्जी के प्रोडक्शन में और दूसरा शरीर में हो रहे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने में। कहानी क्लियर है? किसी का कोई डब्बा आउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा व्हाट इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फॉलो फाइव डिफरेंट स्टेप एंड अल्टीमेटली यूटिलाइज इट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड मेंटेनिंग अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ देयर बॉडी। इसके पांच स्टेप होते हैं। हमको पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो है अमीबा का, ठीक है। किसका बेटा? अमीबा का, ठीक है। तो आइए अमीबा के बारे में जानते हैं। अमीबा का जो लोकोमोटरी का मतलब चलने वाला जो आर्गन, जैसे हमारा हाथ और पैर, मेरा ये पैर और ये मेरा हाथ, मैं हाथ से नहीं चलता, मैं पैर से चलता हूं। अगर मैं गाय भैंस होता तो दोनों से चलता, अभी मैं इंसान हूं, ठीक है। तो बेटा लोकोमोटरी आर्गन अमीबा का क्या होता है? स्यूडोपोडिया। इट इज नॉट पसूडोपोडिया, पी ही साइलेंट है। स्यूडो मतलब फाल्स, पोडिया मतलब पैर, फाल्स मतलब भूतहा पैर, मतलब उसके पास पैर जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है पर हां चलने में सहायक होता है, ठीक है। देखिए ये है अमीबा, कोई इसका डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होता है। तो अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? स्यूडोपोडिया। दूसरा क्या जानते हैं? दूसरा सर ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर मतलब जो पानी आप पीते हैं उसको फ्रेश वाटर नहीं कहेंगे, फ्रेश वाटर मतलब जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो, गढ़हा का पानी, गढ़ही का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, नहर का पानी, ये सब का सब पानी क्या कहलाएगा? फ्रेश वाटर कहलाता है। तुम जो पानी पीते हो वो भी फ्रेश वाटर है। मैराइन वाटर कौन सा है? जो कहां मिलता है? समुन्द्र में, सी वाले में, है ना। कहानी क्लियर है? तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तीसरी बात अमीबा के बारे में जो प्रचलित है कि अमीबा को जब भोजन मिलता है, ध्यान से सुनना, जब भोजन यानी कि कोई फूड साइक्लोप्स और डाफनिया या जूप्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टन उसको मिल जाए तो क्या होता है? अपने बॉडी के जैसे ही कांटेक्ट में उसका भोजन आता है उसके चारों तरफ घेरा बनाता है, यू ऐसे बना लिया। अब ये घेरा थोड़ा और आगे बढ़ेगा, ठीक है, और अल्टीमेटली ये फिर उसके पेट में चला जाएगा और पेट में जिस फॉर्म में जाएगा उसको फूड वैक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आपको बता दें ये फूड वैक्यूल्स उसी तरह से काम करता है
जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल काम करता है, ठीक है ना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एक दो नंबर में बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया कहां पाया जाएगा सर जी? फ्रेश वाटर में। तीसरा बात, इसके पास फूड वैक्यूल कैसे बना? क्या किया उसने? जैसे ही उसके बॉडी के कॉन्टेक्ट में भोजन आया, घेरा बनाया, घेरा बना के उसको इनगल्फ कर गया और अल्टीमेटली फूड वैक्यूल बनाया। फूड वैक्यूल इज एनालोगस टू, एलिमेंट्रिक कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग। कैसा होता है बेटा? एनालोगस टू एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कौन सा बीइंग? ह्यूमन बीइंग, यानी मनुष्य का जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके जैसा उसका फूड वैक्यूल। जैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है वैसे इसके अंदर फूड वैक्यूल पाया जाता है। चौथा जो बात हमको समझना है अमीबा के बारे में, फूड वैक्यूल के अलावा उसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। कौन सा वैक्यूल बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? जैसे हमारी किडनी, अच्छा एनालोगस का मतलब समझते हैं? नहीं ना। जैसे जिसको जिसका ओरिजिन अलग अलग हुआ, काम सेम, जैसे तुम्हारा घर कहीं और होगा, इनका फलाने का घर कहीं और है, जैसे सारे बच्चों का इस क्लास में जितने सबका घर अलग अलग है पर एक ही जगह आके क्लास टेंथ की क्लास में स्टडी कर रहे हैं ना, तो ओरिजिन अलग अलग और काम सेम है, तो ये हम लोग एनालोगस फंक्शनिंग कर रहे हैं। कौन सी फंक्शनिंग? एनालोगस। तो उसी तरह से जो फूड वैक्यूल का जो एनालोगस स्ट्रक्चर है वो एलिमेंट्री कैनाल है ह्यूमन बीइंग का। कहानी क्लियर है? वैसे अगर मैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करता हूं तो हमारी किडनी, हमारी जो किडनी है उसका एनालोगस स्ट्रक्चर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसका काम क्या होता है बेटा? ऑस्मो रेगुलेशन। कौन सा रेगुलेशन? डू यू नो व्हाट इज द ऑस्मो रेगुलेशन? शरीर के अंदर जो भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को बैलेंस करने का काम कौन करता है? हमारे बॉडी में किडनिया करता है और अमीबा के बॉडी में कौन करता है बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, समझ में आ गया? किसी का डब्बा आउट तो नहीं है? सबको क्लियर हो गया? बोलो भाई हाँ ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। मिटा रहे अब लिखो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटू द ह्यूमन बीइंग। हेडिंग दो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटू द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हमने कहा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होगा बेटा? उसके पांच स्टेप होंगे। उससे पहले बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने का, हो सकता है उतना परफेक्ट ना बने बट स्टिल आई एम ट्राइंग। ये है मनुष्य का मुंह, ये है उसकी नाक और ये है अंकित तिवारी, ठीक है, और यहां माउथ से यहां एक हिस्सा आएगा, ठीक है, यह है ओसोफेगस, इससे पहले यहां एक हिस्सा होता है फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स के बाद यह हिस्सा फूड पाइप जिसको हम ओसोफेगस कहते हैं, ओसोफेगस के बाद ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को स्टमक कहते हैं, उसके बाद आ गया इंटेस्टाइन। मैं थोड़ा बड़ा बना दिया इसलिए लग रहा है कि मामला बहुत लंबी दूरी तक नहीं जाएगा, स्टिल आई एम ट्राइंग। ठीक है, अब यहां से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ऑन एवरेज 6.8 मीटर के आसपास होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई जो है वो थोड़ा छोटी होती है 1.5। मैं सही बोल रहा हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। लार्ज इंटेस्टाइन की साइज छोटी और स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज बड़ी। का है एक्चुअली हम खाना पका के खाते हैं इसलिए हमारे बॉडी में सेलुलोजिक फूड का डाइजेशन के लिए उतनी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं पाई जाती, इसलिए हम क्या करते हैं हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लार्ज इंटेस्टाइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। ठीक है, कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है?
इधर वाला थोड़ा सिस्टमेटिक बनाने की कोशिश किया हूं, ठीक है। देखो बेटा ये वाला जो हिस्सा है वो है माउथ, ठीक है। माउथ के पास एक हिस्सा होता है फैरिंग्स। फैरिंग्स के बारे में कहावत ये है बेटा कि इट इज कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर, यानी कि ये वो जगह है जहां खाना यानी कि भोजन और एयर दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ पहुंचते हैं। फूड ऑन एंड एयर दोनों क्या है बेटा, साइमल्टेनियसली पहुंचते हैं कहां, बोलिए, और हमारा जो फेरिंग्स है वहां। फेरिंग्स के बाद अगला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस के बाद क्या होता है बेटा, ओसोफेगस के बाद हमारा एक स्ट्रक्चर और है जिसको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, स्टमक। स्टमक के बाद ये जो हिस्सा दिख रहा है उसमें हमारा इंटेस्टाइन है, और अगर मैं इंटेस्टाइन की बात करता हूं तो इंटेस्टाइन में दो हिस्सा है, एक है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन और एक है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, एक कौन सा है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक कौन सा है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को याद करते हैं डीजे आई की नहीं आई, डीजे आई, डी फॉर डॉडेनम, जे फॉर जुजेनम और आई फॉर इलियम। उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलन एंड रेक्टम, यानी कि इसको सीसीआर से याद कर लेंगे, ठीक है। कहानी क्लियर है। तो हम बात क्या करने वाले हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड बातचीत करने वाले हैं। उससे पहले ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसके बॉडी में परफॉर्म होता है वो कहां होता है वो समझने की जरूरत है। तो हमने ह्यूमन बीइंग का एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, एग्जाम में आ सकता है कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने रफ डायग्राम बनाया, स्टिल अगर ऐसा भी आप बोर्ड में बनाते हैं सो एग्जामिनर विल गिव यू मार्क्स, नो डाउट, ठीक है। कहानी क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके। अब अगर इतनी बात समझ में आती है बेटा तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझने के लिए हमने कहा कि पहला जो स्टेप हमको समझना है वो ये समझना है कि एलिमेंट्रिक कैनाल क्या होता है। एलिमेंट्रिक कैनाल की बारे में अगर बात करते हैं बेटा तो डिफाइन करो व्हाट इज एलिमेंट्रिक कैनाल, लिखिएगा। एलिमेंट्रिक कैनाल को अगर डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम माउथ टू एनस, फ्रॉम माउथ टू एनस इन विच All the process of in which all the process of holozoic mode of nutrition completed, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या बेटा, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। हमने कहा अगर ह्यूमन की अगर एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड बातचीत किया जाए तो पहला स्ट्रक्चर क्या है, माउथ। माउथ के बाद फिर क्या आएगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में दो हिस्सा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन हिस्सा है, डाउडेनम, जुजेनम और इलियम, और लार्ज में है सीकम, कोलन एंड रेक्टम। यहां देखिए, यहां पाया जाता है एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, यहां आप लिख सकते हैं, यहां पाया जाता है अपेंडिक्स। एक्चुअली ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक रूडिमेंट्री हिस्सा, यही है हमारा सीकम। ये जो देख रहे हैं ये है कोलन, ये जो आपको गोला गोला दिख रहा है इसका तीन पार्ट, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। और ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा रेक्टम कहलाता है और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा, एनस कहलाता है, ठीक है। हमें यहां थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है स्टमक के पास, इसलिए हम उसको थोड़ा सा अलग बना दिए। स्टमक से जस्ट नीचे जब इंटेस्टाइन में आते हैं, यानी कि किस जोन में आते हैं, डाउडेनम जोन में आते हैं, किस जोन में आते हैं, तो अब देखो यार हमने क्या कहा, हमने कहा ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे बेटा,
लीवर, ये क्या है बेटा, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, और ये है हमारा पेनक्रियाज, ठीक है, ये दोनों जाकर के इंटेस्टाइन के पहले हिस्से डाउडेनम में खुलता है, कहां खुलता है बेटा, डाउडेनम में। ये माइंड करना कि ये जो मैंने बनाया है ये वास्तव में क्या है, ये डाउडेनम है, ठीक है, इसी में आके खुलता है, पूरी कहानी क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हमने अभी स्ट्रक्चर के बारे में, हमने कोई फंक्शनिंग के बारे में बात नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये समझाने की कोशिश की ह्यूमन बींग के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो पहले तो मुझे यह समझना पड़ेगा कि ह्यूमन बींग का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता कैसा है। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, बोला ये है उसका माउथ, माउथ के बाद फेरिंग्स में भोजन जाता है, उसके बाद ओसोफेगस में, फिर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्टमक, स्टमक से भोजन इंटेस्टाइन में जाता है, जैसे इंटेस्टाइन में जाता है पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन हिस्सा है, डाउडेनम, जोजेनम और इलियम। डाउडेनम में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, वहां आके हमारे बॉडी के, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने वाले दो ग्लैंड आके खुलते हैं जिनका नाम पेनक्रियाज और पेनक्रियाज और लीवर है, ठीक है। तो उसको हमने अलग से बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने कहा कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो गई तो लार्ज इंटेस्टाइन में यहां एक स्ट्रक्चर अपेंडिक्स पाया जा रहा है, दिस इज द व्हाट, दिस इज द असेंडिंग कोलन, दिस इज द ट्रांसवर्स कोलन, दिस इज डिसेंडिंग कोलन, दिस इज रेक्टम एंड दिस इज एनस। फिर हमने कहा कि भाई एलिमेंट्री कैनाल क्या है, भाई हमारे बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, इवन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। क्या है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम खाना लेते हैं और लेने के बाद उसको अल्टीमेटली पांच स्टेप फॉलो करने के बाद उसके एक्सट्रैक्ट को अपने शरीर में एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए और शरीर में हो रहे केमिकल रिएक्शन के बैलेंस करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। हमने एलिमेंट्री कैनाल को डिफाइन किया, मैंने कहा एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम माउथ टू एनस इन विच ऑल द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीटेड, दैट इज द नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज क्या बताइए, दैट इज नोन एज एलिमेंट्रिक कैनाल। अब हमको एक एक करके स्टडी करना है माउथ से रिलेटेड और फिर उसके बाद ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, और डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, एसिमिलेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, वैसे समझना है, ठीक है। तो इसको बना लीजिए और बनाने के बाद आगे बढ़ते हैं। अभी इतना क्लियर हो गया तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा हमने क्या किया, हमने ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाया था, पेनक्रियाज और लीवर का अलग से बनाया था, और एलिमेंट्री कैनाल क्या है उससे बारे में हमने बातचीत कर लिया। अब जो हमको बातचीत करना है कि ह्यूमन के अंदर कैसे पांचों स्टेप फॉलो होते हैं, तो हमने पहला जो स्टेप बोला वो पहला स्टेप क्या था, इंजेशन, क्या बोला था, इंजेशन। सो व्हाट इज इंजेशन, सिंपल सी बात है, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड को क्या बोलेंगे बेटा, इंजेशन कहते हैं, यानी जो खाना हमने खाया उसके लेने के प्रोसेस को क्या बोलने वाले, इंजेशन कहते हैं। कहानी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ओके। इंजेशन के बाद हमारा खाना जाता कहां है, माउथ में जाता है, ठीक है। तो जैसे ही माउथ में जाएगा, हम इंजेशन के बाद जो दूसरा स्टेप है उसका नाम है डाइजेशन, क्या नाम बेटा, डाइजेशन से रिलेटेड बातचीत करेंगे और जानेंगे कि माउथ में कौन कौन सा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहले तो ये जानते हैं कि डाइजेशन होता क्या, जैसे आप मान लीजिए पहाड़ से गिट्टी बनाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि पहाड़ से क्या करें, गिट्टी बनाएं, तो क्या करेंगे आप, तो आप पहाड़ से गिट्टी बनाने के लिए पहले डायनामाइट से उसको तोड़ते, थोड़ा छोटा हो जाता है, फिर उसको क्रशर मशीन में ले जाते हैं, उससे पटिया, गिट्टी, तमाम तरह की चीजों को बनाते हैं, यानी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं और ऐसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जो आपके लिए यूजफुल हो, जिसके जिस स्टेप में या जिस स्टेट में या जिस स्टेज में आप उसको क्या कर सके यूज कीजिए। ग्रीन वाला जल रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, जिस स्टेज में आप क्या कर सके उसको यूज कर सके, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। कहानी क्लियर है, तो पहला स्टेप क्या है हमारा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले इंजेशन होगा,
इंजेशन के बाद दूसरा क्या बोला, डाइजेशन। डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्या है डाइजेशन, तो डिफाइन करिए व्हाट इज डाइजेशन, लिखिएगा प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टू देयर सिंपल एब्सॉर्प्टिव फॉर्म, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टू देयर सिंपल एब्सॉर्प्टिव फॉर्म इज नोन एज व्हाट, डाइजेशन। हमने कहा डाइजेशन स्टार्ट कहां से होगा, माउथ से। अब माउथ में तीन चीजें, पहली चीज उसमें है टीथ, दूसरा क्या है उसमें सलीवरी ग्लैंड, और तीसरा चीज है क्या, टंग। सही है, चलिए अब मैं बात टीथ की करता हूं। तो बताओ श्रेया, पैदा हुए तो आपके माउथ में कितने टीथ थे, एक भी नहीं थे, अच्छी बात है। तो पैदा हुए तो माउथ में सच में एक भी टीथ नहीं थे, बड़े हुए दो दांत आते हैं तो लोग चटौना करते, बड़ा खुश होते हैं, दो दांत आ गया। उसके बाद सारे दांत आते हैं तो नहीं मजा लेते हैं, तो फिर सारे दांत आ जाते तो लोग खाना भी नहीं देते हैं। हाँ, दो वाला आता है तो बड़ा खुश होते हैं लोग, बाकी दांत आ जाते हैं तो फिर कुछ नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है। अभी देखो इतने सारे दांत हैं लेकिन कौन नहीं पूछता, सर ले लीजिए चॉकलेट खा लीजिए, सर ले लीजिए सैंडविच खा लीजिए, कौन नहीं पूछता है। बता दो दांत पहले आए तो बेटा खा लो, नहीं खाना खा लो, उसमें चिल्लाने शुरू कर दिए, है कि नहीं, बचपन में भाई रोना शुरू कर देते हैं लोग, 10-20 लोग पकड़ते हैं, आ जाओ मेरे पास, मैं तो चुप चुपवाते हैं है कि नहीं। तो टीथ की बात करते हैं बेटा, टीथ की क्या कहानी है। टीथ वास्तव में लाइफ में तीन तरीके से आता है। पहला क्या होता है, पहला है मिल्क टीथ, ठीक है। मिल्क टीथ क्या होता है, जन्म के एकाध साल के बाद माउथ में टीथ आना शुरू हो जाते हैं। हमारे माउथ में जो टीथ है वो चार तरीके का है। हमारा ये जबड़ा है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, हमारा जॉ है, यानी कि जॉ मतलब होता है जॉ बड़ा, ठीक है। तो ऐसा ऊपर भी है और ऐसा नीचे भी है, सबके पास है, अगर जिसके पास नहीं है तो दिक्कत है, वो इंसान नहीं है, ठीक है, चेक कर लीजिए भाई, सबके पास है ना, ठीक है। अब इसको मैं दो पार्ट में बांटूंगा ऐसे, और इधर देखिए लिखूंगा आई सी पी और एम, ठीक है। वास्तव में हमारे पास चार तरह के टीथ है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो कोई पूछे टाइप ऑफ टीथ कितने हमारे माउथ में, चार, ठीक है। तो अगर टीथ की बात करें तो कितने टाइप है भाई, उसके टाइप है चार, ठीक है। इस स्थिति को हम बोलते हैं हेटरोडोंट, क्या बोलते हैं, मतलब चार तरीके के टीथ है। दूसरा जो है वो होता है डाइथियोडोंट, मतलब लाइफ में टू टाइम आएगा, पूरे जीवन में दो बार आता है, ठीक है। तो टीथ पूरे लाइफ में कितनी बार आएगा, दो बार आएगा, इसलिए इसको हम डाइथियोडोंट बोलते हैं। तो डाइथियोडोंट और हेटरोडोंट, हेटरोडोंट में चार तरह के टीथ है, कौन कौन, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। समझ में आ रहा है भाई, अरे बोलो ना यार, ओके। अब हमने कहा कि जब मिल्क टीथ की बात करेंगे तो उसका डेंटल फॉर्मूला होता है 2102/21। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां आई सी पी और एम लिखता हूं तो मिल्क टीथ में प्री मोलर क्या होता है, एब्सेंट होता है। और अगर आप इसको काउंट करेंगे तो यह वास्तव में इस ऊपर और नीचे का लिखा हुआ है, इधर उधर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 21325 और 5 और ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा। तो 10 इधर, 5 इधर, 5 इधर 10, 5 15 और 5 20, ये कब की बात है, मिल्क टीथ की, ठीक है। तो मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। उसमें क्या ध्यान देना है कि 8 इंसीजर, 4 कैनाइन और 8 मोलर होते हैं, प्री मोलर नहीं होते। अब आपके उम्र में पहुंचते हैं एट द एज ऑफ 16th ऑफ ईयर, तो उस समय जो टीथ है वो कितने हैं, 28 है।
और उसका डेंटल फॉर्मूला लिखेंगे तो 2122 अपॉन 21 22 होता है तो 2241 527 और 72 जा कितना हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा भाई, एक साइड का लिख रहे हैं फॉर्मूले में, दूसरे साइड का भी वैसा ही है ठीक है। तो 14 ऊपर और 14 तो कुल मिला के 28 टीथ हो गए। अब आप हमारी उम्र में पहुंचेंगे तो अकल के दांत आते हैं, चार इधर 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 और इधर। तो वास्तव में एट द एज ऑफ 25 25-26 साल की उम्र में जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो 2123 अपॉन 2123 होता है और उस समय दांत कितने होते हैं 32 होते हैं। कई कोई पूछता है बोले 32 दांत हैं, भाई 16 साल की उम्र में आपके पास 32 दांत नहीं, पूरी क्लास काउंट कर ले 28 से ज्यादा दांत नहीं किसी के पास और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप अभी 16 साल के हैं ठीक है, समझ में आ रहा है। तो भैया मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा 2102 अपॉन 2102, उसमें प्री मोलर एब्सेंट होता है। अगर आप 16 साल की उम्र में जाएंगे घर जाके काउंट कर लीजिए, अभी भी कर सकते हैं, 28 से ज्यादा दांत आपके माउथ में नहीं है ठीक है, हाँ टूट गए हो तो बात की बात है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे 32 होने चाहिए लेकिन दो दांत है ना जिंदगी के सफर में मेरे शहीद हो गए हैं चॉकलेट खाने से, तो अभी मेरे पास टीथ जो है 30 ही है ठीक है, 32 नहीं है, दो दांत क्लास 12 में हमने निकलवा दिया ठीक है। कहानी क्लियर है, किसी का कोई दिक्कत तो नहीं है ओके। तो ये जानकारी किससे रिलेटेड रही, टीथ से रिलेटेड। टीथ का अगर काम की बात करें तो वो बाइटिंग एंड क्या करता है, बाइटिंग एंड कटिंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिक्सिंग ऑफ फूड के लिए क्या है बेटा, रिस्पॉन्सिबल है। ये पूरी जानकारी किससे रिलेटेड रही, टीथ से रिलेटेड। कहानी क्लियर है, मिटा दें ओके। अब अगर हम टीथ से रिलेटेड बातचीत कर लिए तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सेलेवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बेटा, सेलेवरी ग्लैंड। अब देखो हमने क्या बोला, सेलेवरी ग्लैंड हमारे बॉडी में कितने, तीन पेयर होती, कितनी, एक पेयर में चार की पांच, दो, चलो बहुत बढ़िया, कम से कम जिंदा तो। तो सेलेवरी ग्लैंड हमारे पास तीन होती हैं, एक होती है पैरोटिड, एक होती है सब लिंगुअल और एक क्या होती है बेटा, सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी। तो पैरोटिड कहां है बेटा, ये यहां दबाओ कान के पास, मेरे को तो आ गया लार्वा, सलाइवा, लार्वा नहीं सलाइवा है ना, समझ में आ रहा। तो सेलेवरी ग्लैंड कितनी पैर है बेटा बताओ, तीन पैर, जिसमें पैरोटिड कहां है, बिहाइंड द ईयर है। सब लिंगुअल, लिंगुअल टर्म यूज होता है टंग के लिए, तो लिंगुअल एक ग्लैंड टंग के नीचे, टंग जीभ होता है जी, इसके नीचे है ठीक है। और एक है सब मैक्सिलरी, वो कहां है, ये जो मैक्सिला देख रहे हैं यहां, यहां है इसके, यहां यहां ये देख रहे हैं, यहां यहां है ठीक है। तो तीन है, एक है चिक के पास, कान के पीछे और टंग के नीचे ठीक है। अब सुनो, एक साधारण मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर सलाइवा क्या करता है, सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है बेटा, 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रीट करता है, जिसका पीएच 6 to 6.5 होता है, यानी स्लाइटली एसिडिक होता है। सलाइवा में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है सलीवरी एमाइलेज, क्या नाम बेटा, सेलेवरी एमाइलेज, क्या नाम बेटा, सेलेवरी एमाइलेज, या दूसरा नाम है PTYLENE, टाइलिन एंजाइम ठीक है। कहानी क्लियर है, करता क्या है ये, 30% कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है। डाइसैकेराइड कौन कौन से हैं, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, इसमें वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कहानी क्लियर है, तो 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में हो जाता है ठीक है ओके। फूड के साथ जब सलाइवा, फूड के साथ जब सलाइवा मिल जाता है तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, बोलस कहते हैं। कहानी क्लियर हो रही है, हमारे बॉडी में तीन पेयर सलाइवरी ग्लैंड है जिससे एक दिन में कितना लीटर सलाइवा निकलता है, 1.5 लीटर। पीएच कितना है, 6 to 6.5। उससे जो एंजाइम निकला उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, यानी कि टाइलिन।
जो 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है और डाइजेशन करके कार्बोहाइड्रेट को सेलेवरी एमाइलेज किसमें कन्वर्ट करता है, डाइसैकेराइड, जैसे माल्टोस, लैक्टोज और सुक्रोज। अभी इसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, सिर्फ डाइजेशन थोड़ा बहुत हुआ है। जैसे हमने कहा कि पहाड़ को जब डायनामाइट से तोड़े तो बड़े बड़े गिट्टे बन गए, उसको छोटा कन्वर्ट करना है गिट्टी के फॉर्म में, जिससे हम उससे रोड बना सके या घर बना सके। कहानी क्लियर है, किसी का डब्बा आउट तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ ना यार। चलो इतना कहानी अगर क्लियर है लाल, तो ये जानकारी किससे रिलेटेड रही? सेलेवरी ग्लैंड्स। कुछ छूट तो नहीं रहा है सेलेवरी ग्लैंड्स से रिलेटेड? चेक करो। चलो अगर हम इसके बारे में जान लिए तो अगला जान लेते हैं टंगुई की, टंग, टंग। हाँ अब देखो भैया, टंग का चार पार्ट। सबसे आगे वाला हिस्सा किसके लिए होता है? इस पे टेस्ट बर्ड पाई जाती है जो स्वीट को टेस्ट करती है। उसके बगल में वो किसको करती है? सॉल्ट को। उसके बगल में किसको? सोर को। और इधर कौन करता बेटा? बीटर मतलब कड़वा। नीम जानते हैं? नीम, हाँ नीम, हकीम खतरे जान। तो नीम जो होता है वो बीटर यानी कड़वा होता है। यहां आपको सोर मिलेगा और यहां आपको बेटा क्या? सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये जानकारी है टंग से रिलेटेड। टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड पाई जाती, इसी का नतीजा है कि इतने सारे होटल्स चल रहे हैं। अगर ये नहीं रहता तो सबका दुकान बंद हो गया होता है ना, जो स्विगी जोमेटो चल रहा है ना, सब बंद हो जाता, क्योंकि सब मामला टेस्ट का है। इसी को बस उखाड़ दो आदमी के टंग से, उसके बाद देखो मेढक का, देखो उसका टंग के ऊपर कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता। रंपुरिया चाकू की तरह होता है, फटाक से खुलता है, कुछ भी है खाएगा और पेट पे डाल लेगा। उसको एनर्जी से मतलब, भूसा खाए चाहे मैगी खाए चाहे पिज्जा खाए, सब उसके लिए सेम है। यहाँ भाई सब क्या है? मत पूछो, स्विगी जोमेटो का देख करके इमेज खाली जो है मन करता है पहले मंगा ही लेते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो सब मामला क्या है? ये टेस्ट बर्ड का है। अगर ये टेस्ट बर्ड नहीं होती तो इतना उत्पाद नहीं होता। तो ये सारा जानकारी किससे रिलेटेड रहा बेटा? माउथ से रिलेटेड रहा। चेक कर लो, किसी को दिक्कत है तो बताए। तो देखो बेटा, इतनी सारी भयावह बातें अगर हो गई तो अब जो हम बातचीत करने वाले हैं वो ओसोफेगस के बारे में करते हैं। ओसोफेगस से रिलेटेड बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है बेटा बताओ विच पार्ट, लिख लो क्वेश्चन, तो लिखो तो क्वेश्चन पूछा जाता है ओसोफेगस से रिलेटेड। ओसोफेगस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जानते हो? लिखो, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विल नॉट रिलीज एनी एंजाइम। तो वही तो पूछा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओसोफेगस इज कंसीडर एज अ फूड पाइप, यहां से किसी भी तरह का कोई भी क्या होता है बेटा? एंजाइम रिलीज नहीं होता। अब ध्यान दो, हमारा खाना ओसोफेगस से अब पहुंचा कहां? स्टमक को। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो अब तीसरी जो बात हम करने वाले हैं वो किसके बारे में करने वाले हैं? स्टमक से रिलेटेड, ठीक है? देखो स्टमक में दो तीन चीजें हैं जिसपे ध्यान रखिए, उतना ही याद करने की जरूरत, मैं डिटेल में जा सकता हूं पर उतना जरूरत नहीं। स्टमक में क्या है? एक निकलता है म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है? एक तो ये चीज हो गया। दूसरा क्या होता है? इसमें से निकलता है एंजाइम, ठीक है? म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या करती है अभी बताता हूं। एंजाइम निकलता है इसमें से कौन सा? पेप्सिन। वास्तव में ये पेप्सिन नहीं होता है, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है। और एक होता है प्रो रेनिन के फॉर्म में। और तीसरा इसमें से केमिकल निकलता है, उस केमिकल का नाम है क्या? HCl। क्या नाम बेटा? HCl। अगर HCl के बारे में काम कहा जाए तो वो 1.8 पीएच स्टमक का प्रोवाइड करता है, हाईली एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है, जिससे वो क्या करता है? किल द जर्म। अगर आप खाने में अगर मान लीजिए कोई अनवांटेड जर्म आ गया तो उसको मार गिराता है। तीसरा क्या करता है? ये जैसे आप सवेरे सवेरे जो है ठंडी के मौसम में सोए हुए हो और 8 बजे कोचिंग आना, तो क्या है? मम्मी जगाती है, बेटा उठ जा, नहीं नहीं उठेंगे,
अरे उठ जा, कोचिंग जाना। नहीं उठेंगे। तब पापा आते 7 बजे, जगाए मम्मी नहीं आए। 7:20-7:25 पे पापा है, बोले उड़ो। बोले ठीक है उठ रहे। नहीं माने, 2 मिनट बाद और आए। फिर कहे उठो, तो जैसे ऐसे उसे की तरफ कान पे एक पड़ाका खींच के लगा, जैसे लगेगा कर रहे की तरफ 5 मिनट में रेडी है ना। वैसे HCl क्या करता है, ये जो पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और इसको एक्टिव करता है वो किसमें, पेप्सिन में, जो कि प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और ये जो प्रोरेनिन है वो कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में, जो मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को पचाता है। मिल्क में कौन प्रोटीन होती है बेटा, कैसीन प्रोटीन होती है। और मिल्क में जो सुगर होती है उस सुगर का नाम है लैक्टोज सुगर। कौन सी सुगर बेटा, मिल्क में लैक्टोज सुगर होती, ठीक है। जो बेबी होता है, उस जो बच्चा होता है उसके अंदर क्या है, उसके स्टमक के अंदर मिल्क को पचाने के लिए रेनिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है रेनिन का सिक्रेशन कम होता है, इसलिए बूढ़े आदमी को मिल्क नहीं जल्दी दिया जाता है, क्योंकि उसको मिल्क को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है दही के रिस्पेक्ट में। एक चीज और, दही इज मोर न्यूट्रिशियस ड्यू रिस्पेक्ट टू दूध। दही के अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, विटामिन B12 और विटामिन सी की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, ठीक है। कहानी क्लियर है, ओके। तो ये सारा इंफॉर्मेशन HCl से रहा। अच्छा, म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या करता है, प्रिवेंट द स्टमक वॉल फ्रॉम HCl, HCl से स्टमक की दीवार को बचाता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन स्टमक से। एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई एंजाइम, तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इन सिंपल एब्जॉर्प्टिव फॉर्म, या इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इन सिंपल एब्जॉर्प्टिव फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है ना, तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई एंजाइम इज कंसीडर एज बायो कैटलिस्ट, एंजाइम को बायो कैटलिस्ट क्यों कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, लेट मी सपोज, हे लिसन, कैन आई स्टडी फॉर यू, आंसर इज नो, मैं आपके बदले पढ़ नहीं सकता। कैन आई अपीयर इन योर एग्जाम एट द प्लेस ऑफ यू, आंसर नहीं, वो भी नहीं हो सकता। देन व्हाई आई एम हियर, आई एम जस्ट मेकिंग द थिंग्स इजी ड्यू टू विच द स्पीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज इंक्रीजेस, ओके। वैसे ही कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन की रफ्तार को बहुत तेज कर देना या बहुत कम कर देना, समझ आ रहा है। कैटलिस्ट कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ज्यादातर जो कैटलिस्ट होते हैं वो प्रमोटर होते हैं। एंजाइम भी ऐसा ही है, हमारे बॉडी में डाइजेशन की स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। तो अब क्या है, कैटलिस्ट क्या कर रहा है, कैटलिस्ट जो है वो डाइजेशन के स्पीड को बढ़ा रहा है, और या हमारे शरीर में अगर कोई भी, यानी कि जो बायो कैटलिस्ट है, वास्तव में क्वेश्चन पूछा गया ना कि वाई द एंजाइम इज कंसीडर एज ए बायो कैटलिस्ट, तो हमने कहा कि कैटलिस्ट क्या कर रहा है, बायो को छोड़ दीजिए, कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। बायो मतलब क्या होता है, लिविंग, और कैटलिस्ट का मतलब कैटलिस्ट। तो अगर लिविंग रिएक्शन को बढ़ाने के लिए जो यूज हो रहा है वो वास्तव में कौन है, एंजाइम, ओके। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करूंगा, लिखेगा बिकॉज इट इंक्रीज द रेट ऑफ लिविंग रिएक्शन, बिकॉज इट इंक्रीज द लिविंग रिएक्शन 1000 to 1,000,000 टाइम, क्या कर रहा है, ये लिविंग रिएक्शन को 1000 to 1,000,000 टाइम क्या कर दे रहा है बेटा, बढ़ा दे रहा है। ड्यू टू दिस रीजन एंजाइम इज कंसीडर्ड एज अ बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है
उसकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं? एंजाइम। और एंजाइम इज कंसीडर्ड एज ए बायो कैटलिस्ट बिकॉज ये लिविंग रिएक्शन की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। आपको जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई एंजाइम न हो तो एक बार में एक मनुष्य, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने वाला हूं, एक मनुष्य अगर एक बार खाना खाता है तो 3 साल से भी ज्यादा टाइम लग जाएगा उस भोजन को उसको पचाने में, जो हम 3 घंटे में कर जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसका? हमारे एंजाइम का। ठीक है, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टमक से रिलेटेड रही, अलग अलग करके पढ़िए, माउथ देन ओसोफेगस देन स्टमक। अब हेडिंग दीजिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हेडिंग दीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिकली डाइजेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने माउथ में डाइजेशन देखा। एक चीज थोड़ा छूट रहा है, बता देता हूं, स्टमक में अंदर, स्टमक के अंदर प्रोटीन का सिर्फ डाइजेशन होता है, स्मॉल अमाउंट में फैट का होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो माउथ से रिलेटेड जानकारी में हम सिर्फ डाइजेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, माउथ में डाइजेशन की बात कर रहे थे। हमने कहा माउथ में किसका डाइजेशन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ कौन किया? सेलेवरी एमाइलेज, पूरा पूरा नहीं हुआ, उसने इसको डाइसैक्राइड में कन्वर्ट किया, डाइसैक्राइड में कन्वर्ट किया, जिसका नाम था माल्टोस, लैक्टोस एंड सुक्रोज। ठीक है, ओसोफेगस में कोई डाइजेशन हुआ नहीं। ठीक है, तो माउथ हो गया, उसके बाद ओसोफेगस में कोई डाइजेशन हुआ नहीं, ओसोफेगस में कोई डाइजेशन हुआ नहीं। अब स्टमक की बात की, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, किसका डाइजेशन हुआ? प्रोटीन। जब प्रोटीन का डाइजेशन हुआ तो पूरा पूरा नहीं हुआ, प्रोटीन को पेप्सिन ने डाइजेस्ट किया लेकिन उसको कन्वर्ट किया किसमें? डाइपेप्टाइड में। किसमें? वही हालत यहां है जैसे पहाड़ को तोड़ा तो सीधे सीधे गिट्टी नहीं बनेगा, तो प्रोटीन को उसमें किसने कन्वर्ट किया? डाइपेप्टाइड। अब मामला आता है इंटेस्टाइन में, आप समझिए, इंटेस्टाइन में जैसे ही इंटर करेंगे तो वहां हमको दो ग्लैंड मिलती है, एक लीवर मिलेगा, ठीक है, और एक क्या मिलेगा बेटा? एक मुझे मिल जाएगा पेनक्रियास, बताया था थोड़ी देर पहले, ओके, चलो समझो। अब जो लीवर है, हमने कहा लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, इंटेस्टाइन में कितने पार्ट बताए? 2, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल में 3, कौन कौन? डाउडेनम, जेजुनम और इलियम। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड कर रहे हैं? डाउडेनम से। ये जो हिस्सा है वो डाउडेनम है, वहां हम समझ रहे हैं हो क्या रहा। तो देखिए, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लीवर से निकलता क्या है बेटा? बाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लेंगे तो हमारा काम बस यहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, थोड़ा 2 मिनट अगर रिलैक्स होना चाहे तो हो लीजिए। तो अब हम बात किसके बारे में कर रहे थे बेटा? इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे थे। हमने बोला इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पहले बातचीत करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, डाउडेनम, जुजेनम और इलियम। इधर देखो, ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि जो डाउडेनम है वो ये है। ठीक है, यहां 2 ग्लैंड अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं। सबसे बड़ी ग्लैंड हमारे बॉडी में लीवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बाइल, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, जिससे क्या निकलता? बाइल निकलता। बाइल में 2 चीजें होती, एक होता है बाइल सॉल्ट और एक होता है बाइल पिगमेंट, एक होता है बाइल पिगमेंट और दूसरा होता है बाइल सॉल्ट। ठीक है, ओके, बाइल पिगमेंट के चलते हमारा जो फीकल मटेरियल है वो येलो और
स्मेल देता है, स्मेल ही होता है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जो बाइल सॉल्ट है इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है, ऑल्दो बाइल इज नॉट हैविंग एनी एंजाइम, although bile is not having any enzyme, still it help into digestion, how? समझ में आया? कह रहे bile के पास कोई enzyme नहीं होता है, फिर भी ये digestion में help करता है कैसे? आप ध्यान दीजिए, तो mouth में carbohydrate का digestion हुआ, स्टमक में प्रोटीन का हुआ, लेकिन अभी भी किसके साथ जाती हुई? फैट के साथ। एक्चुअली फैट का डाइजेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप सुने हो किसी का भी पेट खराब हो जाता है तो गांव में गांव का चरवाहा भी कह देता है, कहीं का भी कह देता है कि लग रहा है ऑयल टेलाउंस खाए थे इसलिए तुम्हारा पेट खराब हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि फैट का जो डाइजेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इवन पूरे हमारे फूड सोर्स में सबसे ज्यादा एनर्जी फैट देता है, उसके बावजूद भी फैट का डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लिकेटेड कैसे है वो समझते हैं। माउथ में हुआ नहीं, स्टमक में थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत अमाउंट में लाइपेज निकलता है जिसको हम निग्लेक्ट मान के चलते हैं। मामला यह है कि जो लीवर है वहां से निकलता है बाइल, उसमें दो चीजें, बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट। ये जो बाइल सॉल्ट है वो फैट को डाइजेस्ट तो नहीं करता है लेकिन डाइजेशन आसान कर देता है। क्या करता है? डाइजेशन आसान कर देता है। हाउ? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? सिंपल है, कैसे समझिएगा, एक्चुअली होता क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये जो बाइल सॉल्ट है, जैसे ही हमारा फैट डोडेनम में आएगा उस फैट के ऊपर बाइल सॉल्ट काम करता है, ठीक है, और काम करके उसके लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को क्या करेगा, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, ठीक है। जब ये स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में टूट जाएगा तब जाता है कहां, इंटेस्टाइन के पास, कि भैया आप तो हमको अब्सॉर्ब कर लो। बोला हट, नहीं अब्सॉर्ब करेंगे तुम्हारे, तुम हमारे लायक नहीं हो। तो अब क्या करता है, फैट को बाइल सॉल्ट ने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, जिसको हम मिसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसल्स कहते हैं। और उसके बावजूद भी हमारी इंटेस्टाइन का जो सबसे एंड वाला हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम, जहां वास्तव में एब्जॉर्प्शन होता है, वो नहीं होता है। बेचारा अब क्या होता है, बेचारा लार्जर फैट ग्लोबुल से स्मॉलर फैट ग्लोबुल में तो कन्वर्ट हो गया, मिसल्स तो बन गया। बाइल सॉल्ट का काम इतना ही है, क्या करता है, इमल्सिफाइड करता है। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स, दिस इज द लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ऑल्दो बाइल इज नॉट हैविंग एनी एंजाइम स्टिल इट विल हेल्प इनटू डाइजेशन, हाउ? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर emulsification of fat that make the digestion of fat easy. अब वो easy कैसे हो रहा है समझो, missiles बन गया, अब ये missiles body के द्वारा absorb नहीं किया गया, तो होता क्या है, इस missiles के ऊपर, जैसे अगर एक आतंकवादी पाकिस्तान से इंडिया तारों के नीचे से आना चाहे तो पकड़ा जाएगा, मार के भगा दिया जाता है, तो वो क्या करेगा, दोबारा इंडिया में आने के लिए फर्जी वीजा बनाएगा। वैसे ये फर्जी वीजा बनाने के लिए क्या करता है, ये फैट के ऊपर प्रोटीन की एक कवरिंग बना लेता है, ठीक है, फैट के ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग बन जाती है जिसको हम काइलो माइक्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? काइलो माइक्रोन कहते हैं। अब ये काइलो माइक्रोन फिर पहुंचता है इंटेस्टाइन के लास्ट वाले, भैया मुझे अब जॉब कर लो, फिर पकड़े जाते, फर्जी वीजा भी पकड़ा जाएगा। तो फिर क्या करता है, इस काइलोमाइक्रोन के ऊपर फर्दर लाइपेज एंजाइम काम करता है, और करने के बाद
इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, और सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्टिव फॉर्म ग्लूकोज भले ही हमारे इलियम में ब्लड में अब्सॉर्ब होता है, लेकिन फैट डायरेक्टली ब्लड में नहीं अब्सॉर्ब होता है, फैट का एब्जॉर्प्शन लिम्फ के अंदर होता है। कहां होता बेटा? लिम्फ वेसल्स के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होता है। लिम्फ वेसल्स के अंदर ये क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है किसका? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लिम्फ वेसल्स का दूसरा नाम है, उसके पापा ने उसका नाम लिम्फ वेसल्स रखा। घरे गए, द्वंद युद्ध हुआ, उस युद्ध में अल्टीमेटली पापा हारे और मम्मी जीती। अगले दिन नया बेलना भी खरीद के आया और अल्टीमेटली लिम्फ वेसल्स का नाम बदल करके रखा गया भाई साहब लैक्टियल्स। क्या रखा गया बेटा? लैक्टियल्स। तो वास्तव में कहानी क्या है, समझ में आ रहा है? मैंने बात किसके बारे में किया? लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। क्या निकलता है वहां से? बाइल। बाइल का दो हिस्सा, पिगमेंट एंड सॉल्ट। पिगमेंट तो हमारे फीकल मटेरियल को येलो और स्मेली बनाता है, कुछ भी खाइए येलो और स्मेली ही निकलता है ना? ठीक है। अब क्वेश्चन जो बोर्ड ने पूछा जाता है कि ऑल्दो बाइल इज नॉट हैविंग एंजाइम, बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं है, फिर भी डाइजेशन में हेल्प करता है, कैसे? तो ये इमल्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, सो सिंपली डिफाइन करेगा बस यहां से यहां तक। मैं पूरा बताया हूं कि फैट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, पर अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, सिंपली लिखेगा प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्जर फैट ग्लोबुल्स। लिख दें क्या बगल में? डिफाइन कर दें। yes, कर लीजिए इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को डिफाइन कर लीजिए। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स, लार्जर फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल, इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट, दैट इज अ व्हाट? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, कहानी क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट लीवर, लीवर क्या का रोल है वो समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब आता है पेनक्रियास का रोल। लीवर का कहानी क्लियर हो गया? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा, पूरे होशो हवास में सुन लीजिए कि लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, बाइल निकलता है वहां से। एक चीज और समझिएगा कि बाइल यहां से क्या होता है, निकलता है, बाइल यहां से निकलता है और स्टोर होता है कहां? गाल ब्लेडर में, और गाल ब्लेडर के बाद सिक्रीट होता है डाउडेनम में। इन सब पाथ के बारे में नहीं बता रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बस आप सिंपल समझिए कि लीवर से बाइल निकलता है, गाल ब्लेडर में स्टोर होता है, फिर ये से होते हुए आगे आके डाउडेनम में खुल जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बारे में, पेनक्रियास के बारे में। ठीक है, बड़े आगे रिकॉर्डेड है, आप जाके इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए अब सुनिए, इतना अगर बात क्लियर है बेटा तो अब हमको क्या सीखना है, पेनक्रियास के बारे में सीखना है। आप ध्यान से सोचो तो ऊपर थोड़ा थोड़ा डाइजेशन हुआ, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट का हुआ, थोड़ा प्रोटीन का हुआ, पूरा पूरा तो नहीं हुआ। अब ध्यान से सुनो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, देखो इधर, हम बात किसके बारे में करने जा रहे हैं? पेनक्रियास। पेनक्रियास के बारे में कहा जाता है कि इट इज मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड। कैसी ग्लैंड है बेटा? एक मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड है, मतलब भाई साहब इसमें दो फैक्टर होता है, एक एंडोक्राइन होता है और एक एक्सोक्राइन, दो हिस्सा होता है। एंडोक्राइन को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, ये एक्सोक्राइन का। एंडोक्राइन को
डक्ट, डक्ट लेस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। मतलब इसको चलने के लिए किसी पाइप की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सीधे सीधे डायरेक्टली ब्लड में एंटर करता है, ठीक है। आपको बताया होगा जब हम हार्मोन पढ़ाए थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो वहां हम इसको समझा रखे। तो एंडोक्राइन को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, जो सीधे ब्लड में जाता है और इससे निकलता क्या है, हार्मोन। पेनक्रियास से दो हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। कौन काम क्या है बेटा, ध्यान से सुनो। अगर आपने खाना खाया एक्सेस, यानी आपके बॉडी का एक्सेस ग्लूकोज, आपके बॉडी का कौन सा ग्लूकोज, एक्सेस ग्लूकोज, इंसुलिन क्या करता है आपके मसल्स और लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देता है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि फिर से जिस दिन खाना नहीं खाए उस दिन फिर से आपको ग्लूकोज मिल जाए, तो ये जो ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन है वो फिर से ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज बना लेता है। तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का काम क्या है बेटा, ये हमारे शरीर में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करते हैं। मैं बगल में लिख देता हूं, क्या करते हैं, बैलेंस द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। और अगर इनकी कमी हो जाए तो हमारे बॉडी में एक बीमारी से हम सफर करते हैं, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के अंदर यानी कि पेनक्रियास के एंडोक्राइन सेक्शन में दिक्कत होने से ऐसा होता है, ठीक है। पेनक्रियास का मात्र 1-2% हिस्सा ही ये कवर करती है, 1-2% हिस्सा एंडोक्राइन पेनक्रियास होता है। एक्सोक्राइन पेनक्रियास से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसके बारे में वास्तव में मुझे यहां पढ़ना है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम की बात करें, मैं डिटेल में जा रहा हूं, क्लास 10th बेसिस से पढ़ा रहा हूं बस। तो यहां से एक एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है जो बेसिक पीएच पे काम करता है। एक चीज अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि लीवर से बाइल निकलता है, बाइल का दो काम होता है, एक तो इमल्सिफिकेशन, दूसरा क्या करता है, इंटेस्टाइन की जो वॉल है या इंटेस्टाइन का जो पीएच है उसको बेसिक बनाता है। तो इसका दो काम आप लिख सकते हैं, पहला ये इमल्सिफिकेशन कर रहा है, दूसरा पीएच को बेसिक करता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो एक्सोक्राइन पेनक्रियास से क्या निकल रहा है, पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें तीन एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, उसके बाद लाइपेज जो फैट को पचाएगा, एमाइलेज, एमाइलेज किसको पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट को, और न्यूक्लियस डीएनए और आरएनए को पचाता है, न्यूक्लिक एसिड्स को पचाता है, किसको, तो न्यूक्लियस किसको पचाएगा, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए, एमाइलेज किसको, कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज किसको, फैट को, और ट्रिप्सिन किसको, प्रोटीन को। पहले ही प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका था, अब जब डाइपेप्टाइड्स के ऊपर ट्रिप्सिन काम करेगा तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, बोलो, सीधे सीधे एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि हो गया प्रोटीन का डाइजेशन। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर पेनक्रियास का एमाइलेज काम करेगा और उसको सीधे सीधे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि अल्टीमेटली क्या हुआ, डाइसैकेराइड्स का भी डाइजेशन हो गया। और फैट का डाइजेशन मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि फैट का डाइजेशन क्या होता है, थोड़ा अलग है, ऊपर सेपरेट पाथ ही है, इमल्सिफिकेशन होगा, फिर उसके ऊपर लाइपेज काम करता है और काम करके पूरे डाइजेशन के प्रोसेस को अंजाम दे दिया गया। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, ग्लूकोज बन गया, प्रोटीन का डाइजेशन होकर के एमिनो एसिड बन गया, फैट का डाइजेशन होकर के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गया, सबके सब कहां पहुंचेंगे, हीलियम के पास। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जो सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या किया है, रखा है। लेकिन मान लीजिए पेनक्रियास कभी फेल हो जाए तो हमारे बॉडी के अंदर एक और व्यवस्था है, हमारी इंटेस्टाइन के दीवार से इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं, कौन सा जूस,
और इंटेस्टाइनल जूस के पास भी कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जिसको हम सकस इंटेराइकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो इंटेस्टाइन से कौन सा जूस निकलता है? इंटेस्ट अगर फेल हो गया, जैसे पेनक्रियाज से कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम निकला पर मान लो ड्यू एनी रीजन फेल हो जाए, पेनक्रियाज काम ना करे, तो खाना कैसे पचेगा? नहीं पच पाएगा। इसलिए दूसरा अल्टरनेट व्यवस्था है, इंटेस्टाइन की दीवार से भी ये सारे के सारे एंजाइम निकलते हैं कि अगर ये फेल हो गया तो वो काम करेगा। और इस तरह से पूरा पूरा प्रोटीन का डाइजेशन होकर के एमिनो एसिड बना, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होकर के क्या बना बेटा? ग्लूकोज बन गया। फैट का डाइजेशन होकर के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गया। अब ये सारे के सारे जानते हैं कहां पहुंचेंगे? अब ये सारे के सारे पहुंचते हैं बेटा इंटेस्टाइन के टर्मिनल एंड पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के टर्मिनल एंड पे। अभी कहा कि इंटेस्टाइन का कितना पार्ट है? तीन पार्ट, इंटेस्टाइन, डाउडेनम, जुजेनम और इलियम। बेटा इलियम की दीवार पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको विलाई कहते हैं। इस विलाई के ऊपर एक ब्रश बॉर्डर पाया जाता है जिसे हम माइक्रो विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो विलाई कहते हैं, जो वास्तव में किसका एब्जॉर्प्शन करता है बेटा? वास्तव में यहां से प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का एब्जॉर्प्टिव फॉर्म एमिनो एसिड कहां चला गया? ब्लड में चला गया। इधर ब्लड है, यहां से ग्लूकोज चला गया ब्लड में, लेकिन फैटी एसिड ब्लड में नहीं जाता है, वो लिम्फ में जाएगा। कहां जाता है बेटा? लिम्फ में। ठीक है, दिख रहा है? कहां जाएगा वो? लिम्फ में जाएगा, और लिम्फ को लिम्फ वेसल्स कहते हैं। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहां जाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पहले लिम्फ वेसल्स में जाता है, फिर उसके बाद तो वो ब्लड वेसल में इंटर करता है। इसीलिए फैट का डाइजेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए लोग कहते हैं कि फैट थोड़ा कम खाइए नहीं पेट खराब हो जाएगा। कहानी क्लियर हो गई? पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब एब्जॉर्प्शन भी हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन भी हो गया, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो चौथा प्रोसेस था वो क्या था बेटा? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड इनटू द सेल को एसिमिलेशन कहते हैं। और पांचवा, भाई आप मार्केट से सब्जी खरीद के लाते हैं तो छिलका फेंक देते हैं कि नहीं? कोई भी सामान, कपड़ा खरीद के लाते हैं तो प्लास्टिक क्या करते हैं? म्यूजियम में रखते हैं, फेंक देते हैं। तो जो काम की चीज होती है उसको यूज करते हैं, बाकी फेंक देते हैं। वैसे हमारे बॉडी में अनवांटेड, अनएब्जॉर्ब्ड, अनडाइजेस्टेड, अननेसेसरी टॉक्सिक मटेरियल को शरीर से निकालने के प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। इस तरह से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।